सारी गोकुल का माखन दोनों को खिला दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए पाला खरे मोटे के लिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही आगे बढ़े बैली पहलवान का युद्ध बलराम से होने लगा। नंद बाबा घबराने लगे, अगर मुझे पता होता इस बात से कंस ने मेरे पुत्रों को मारने की योजना बनाई है, मैं कभी ये कृत्य नहीं आता। आज मैंने यशोदा की बात भी नहीं मानी, क्योंकि भगवान कहते हैं कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बोले शंकर भगवान, शब्द की बात है क्या, कभी कभी सारियां गल्ला नहीं, क्योंकि पत्नी कहे की माता से बात मत कर तो छड़ देनी। कभी कभी बोले शंकर भगवान, मैंने कहा है दुनिया ही शब्द है और शब्द के ऊपर सब कुछ टिका है, भेद भी शब्द का है और जोर भी शब्द है। बोले शंकर भगवान, आज मैंने यशोदा की बात भी नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया मेरे बाबा दुखी हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जोर से मुष्टिक का प्रहार किया, चारों पहलवान का उद्धार कर दिया। और उधर बलराम ने अपने हल से अपने मुसल से मुष्टिक पहलवान का भी उद्धार कर दिया। जब दोनों पहलवानों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई और सीधे कंस के सिंहासन के ऊपर चढ़ गए। दूजी संतान हूं और मैं ही काल हूं,
जिसका काल में बन जाता हूँ उसको कोई बचा नहीं सकता। आज कभी बुला ले अपने सगे संगियों को, तुझे कोई बचाने वाला नहीं। आसमान से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, संत ध्वनियां होने लगी, नाद बजने लगे, जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ा और पृथ्वी के आज प्रभु ने मथुरा से पाप को निकाल दिया, कंस को निकाल दिया। कंस का बुरे बांग की बिहारी लाल की तो आज वो सातवां दिन आ गया। राजा पृथ्वी को साफ लगा आज से ठीक सातवां दिन तक्षक नाग के दसने से मृत्यु होगी। राजा पृथ्वी ने सात दिन अमर कथा सुनी, पहुंच गए। राजा परीक्षित को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। देखते हैं तक्षक कहां से आए हैं, भक्तों कहीं भी छुप जाओ, लेकिन काल से नहीं बचोगे, क्योंकि भगवान भी निराकार है और काल भी निराकार है। इसका कोई आकार नहीं है, पता नहीं किस देश में आ जाए, बोले शंकर भगवान। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु का तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सब साथी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मृत्यु ऐसा साथी है, साथ पैदा होता है और साथ ही जाता है। भक्तों हम अकेले पैदा नहीं हुए हैं, हमारी मृत्यु हमारा काल भी हमारे साथ पैदा हुआ है। और एक वैद्य को बुलाया है। राजा परीक्षित ने रास्ते में जगह जगह खीर के भंडारे लगाए हैं, तक्षक का स्वागत कर दिए, भूखा प्यासा नहीं। और तक्षक ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बनाया, रूप तो ब्राह्मण का बना लिया लेकिन अंदर जहर है, बुरे शंकर भगवान। और भागवत कहता है ब्राह्मण के अंदर जहर नहीं होना चाहिए। एक वैद्य को बुलाया है, दोनों एक चौराहे के ऊपर मिल गए, इकट्ठे हो गए। वैद्य ने तक्षक से पूछा ब्राह्मण देवता तुम कौन हो। तक्षक कहने लगा देखो भाई मैं नहीं हूं ब्राह्मण, मैं तक्षक हूँ, आज श्रृंगी ऋषि का साप पूरा होगा, मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक ने वैद्य से पूछा भाई तू कौन है। वैद्य कहने लगेगा जब तू राजा परीक्षित को डसेगा ना तो मैं ठीक करूंगा। अच्छा इतनी तेज दवाई तेरी मेरे डसे को ठीक कर दे, कोई बात नहीं परीक्षा हो जाए। और तक्षक ने एक वृक्ष को डसा, वृक्ष सूख गया। वैद्य ने जैसे ही घोट को दवाई लगाई वृक्ष हरा भरा हो गया, बोले बांधी बिहारी लाल। क्योंकि भगवान कहते हैं अगर 100 बीमारी है तो इस उसकी दवाई 101 बनी है, बस खाने वाला चाहिए। ऐसी कोई बीमारी है जिसकी दवाई नहीं है, बुढ़ी बांग की बिहारी लाल की। अब तक्षक विचार करने लगा अगर राजा परीक्षित नहीं मरेगा तो आज के बाद संतों की कोई सेवा नहीं करेगा, संतों का साप निष्फल हो जाएगा। राजा परीक्षित को तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि संतों के ऊपर ही ये पृथ्वी टिकी है। और संत जरूरी नहीं है कि बड़ा आश्रम बना के रहते हैं, संत जरूरी नहीं है कि जंगलों में रहते हैं, संत तो घर में भी रहते हैं, बोले शंकर भगवान। और तक्षक ने पूछा वैद्यराज जी अगर राजा परीक्षित बच जाए तो तुझे क्या मिलेगा।
वैद्या कहने लगा देखो राजा परीक्षित मरो जियो में जो को लेना देना नहीं, मुझे तो धन चाहिए। बोले शंकर भगवान तू दे दे माटिया ना। तक्षक ने देख लिया ये लालची है और लालची कहीं भी मर जाता है। धन का ढेर लगा दिया हीरे मोती सोने चांदी का। वैद्य ने धन की कटली बांधी फिर भी पीछे खड़े करो चलिए। एक माली रोज राजा परीक्षित को फूलों का हार पहनाती है। छोटे से कीड़े का रूप बना करके फूल के अंदर बैठ गया। जैसे कि माली ने फूलों का हार राजा परीक्षित के गले में पहनाया, तक्षक ने अपना रूप लेकर के राजा परीक्षित को डस लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी Okay.
सबके घर में सुख शांति हो और इस नगरी में कोई बीमारी व्याधि ना आए। गोरे बांध के बिहारी लाल की और आप सब भक्तों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। लेकिन जब मैं आऊंगा तो ये रंग उतरना नहीं, ये और भी गाढ़ा होता है जाना चाहिए। तो मैं यही आप भक्तों से उम्मीद रखूंगा। अब भंडारा भी तैयार है, सबने बड़े प्रेम से भोजन करके जाना है। अब खड़े होके सब वाला भागवत आज जो संपूर्ण होता हुआ विदाई समारोह चलता हुआ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अगली जगह पे, अगले भागवत में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
क्या बात है। और ये हमारे भाई लोग, इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, सब बहुत सबने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी हमारी कथा रही। और हमारे रिजमान जी विदाई समारोह में सब हिस्सा लेते हुए, राधे 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 जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो यहीं पे सुहारी की कथा समाप्त हुई, मिलते हैं जी अगली कथा में। राधे राधे।